वेलकम माई चैनल। आज देखते हैं क्लिच वाली टॉपिक के एमसीक्यू क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं, जो अभी अपना थ्योरेटिकल कंप्लीट हुआ है उसी का एमसीक्यू लेके आए हम। पहला क्वेश्चन है, क्लिच वह डिवाइस है जिसका प्रयोग ट्रांसमिशन सिस्टम में इंजन को ट्रांसमिशन से डॉट डॉट करने में होता है। ऑप्शन ए इंगेज, बी डिसइंगेज, सी ई और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, सी ई और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन टू नंबर, ड्राइविंग मेंबर किससे कसा रहता है? ए फ्लाई व्हील, बी क्रैंकशाफ्ट, सी प्रेशर प्लेट, डी क्लिच प्लेट। इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी क्रैंकशाफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री, क्लिच कवर में क्या क्या होते हैं? ए प्रेशर प्लेट, बी स्प्रिंग, सी रिलीजिंग लीवर, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट फोर नंबर क्वेश्चन, क्लिच तथा कवर की पूरी असेंबली किसके साथ घूमती है? ऑप्शन ए क्रैंकशाफ्ट, ऑप्शन बी फ्लाई व्हील, ऑप्शन सी प्रेशर प्लेट, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए क्रैंकशाफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, ड्राइविंग मेंबर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रेशर प्लेट, ऑप्शन बी रिलीजिंग लीवर, सी स्प्रिंग, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए प्रेशर प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ड्राइविंग मेंबर फ्लाई व्हील तथा प्रेशर प्लेट के साथ कहां पर रहने पर क्लिच शाफ्ट को घुमाती है? ए आगे, बी बीच में, सी पीछे, डी कहीं भी। इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन नंबर, ऑपरेटिंग मेंबर में क्या क्या सम्मिलित होते हैं जो क्लिच को ऑपरेट करते हैं? ए फुट पैडल, बी लिंकेज, सी रिलीज वायरिंग, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लेट, क्लिच किसके खांचों में सरकती है? ए क्रैंकशाफ्ट, बी फ्लाई व्हील, सी प्रेशर प्लेट, डी वेयरिंग। इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी फ्लाई व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोण क्लिच का मान कितना होने पर क्लिच जाम होने की संभावना रहती है? ए 20 डिग्री से अधिक, बी 20 डिग्री, सी 20 डिग्री से कम, डी 30 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 20 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, कौन क्लिच में नॉर्मल फोर्स एक्सेल फोर्स से होता है? ए अधिक होता है, बराबर होता है, सी कम होता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, सिंगल प्लेट क्लिच में नॉर्मल फोर्स एक्सेल फोर्स से होते हैं? ए अधिक, बी बराबर, सी कम, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लिच किस फोर्स पर कार्य करती है? ए स्प्रिंग फोर्स, बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्यूम क्लच में होते हैं ऑप्शन ए पिस्टन, ऑप्शन बी वैक्यूम सिलेंडर, ऑप्शन सी रिजर्वायर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका डी उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट 14, हाइड्रोलिक क्लच में होता है ए पिस्टन, बी कंट्रोल वाल्व, सी एक्यूमुलेटर, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फ्लूइड कपलिंग का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए फ्लूइड फ्लाईव्हील, बी फ्लूइड क्लच, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, निम्न में से क्लच क्या कार्य करती है? ऑप्शन ए इंजन से गियर बॉक्स का संबंध जोड़ना, बी इंजन से गियर बॉक्स का संबंध तोड़ना, सी इंजन से गियर बॉक्स का संबंध तोड़ना व जोड़ना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इंजन गियर बॉक्स से संबंध जोड़ना और तोड़ना का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से किसके साथ क्लिच असेंबली फिट रहती है? ए फ्लाईव्हील के साथ, बी क्रैंकशाफ्ट के साथ, सी गियर बॉक्स के साथ, डी पिस्टन के साथ। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए फ्लाईव्हील के साथ। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्लिच का प्रयोग किस कार्य हेतु होता है? ए गाड़ी की गति धीमी करने में, बी कोई गियर बदलने में, सी ब्रेक लगाते समय, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19, निम्न में से क्लिच प्लेट से संबंधित है? ए प्रेशर प्लेट नहीं होती है, बी इसे डिफरेंशियल के साथ जोड़ते हैं, सी क्लिच प्लेट प्रेशर प्लेट तथा फ्लाईव्हील के बीच दबी रहती है, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ये राइट हो जाता है, क्लिच प्लेट प्रेशर प्लेट तथा फ्लाईव्हील के बीच दबी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्न में से बेट क्लच कहलाएगा? ए जिसकी प्लेट प्रेशर प्लेट तेल में डूबी रहती है, बी क्लच प्लेट तेल में नहीं डूबी रहती है, सी जिसका क्लच रिलीज बेयरिंग नहीं होता है, डी इनमें प्रेशर प्लेट नहीं होती है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जिनकी प्रेशर प्लेट तेल में डूबी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, मल्टीप्लेट क्लच में क्या होता है? ए क्लच प्लेट का व्यास ज़्यादा होता है, बी क्लच प्लेट की संख्या अधिक होना, सी प्रेशर प्लेट किसी भी आकार की प्रयोग होती है, डी ज़्यादा टेंशन की स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। 21 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी क्लच प्लेट की संख्या अधिक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, क्लिच प्लेट किस धातु की बनी होती है? ऑप्शन ए स्टील की पत्तियों द्वारा, बी कास्ट आयरन द्वारा, सी टिन की चादर द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 22 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए स्टील की पत्तियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, ऑपरेटिंग शाफ्ट पर क्लिच डिसएंगेज के लिए क्या व्यवस्था होती है? ए फ्लाईव्हील की, बी एडजस्टिंग नट की, सी वेयरिंग की, डी पिन की।
23 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, एडजस्टिंग नट की। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, गाड़ी खड़े करते समय या ब्रेक लगाते समय गियर न्यूट्रल करने की आवश्यकता नहीं होती है, यह कथन किस क्लच के लिए सत्य है? ऑप्शन नंबर ए सिंगल प्लेट क्लच के लिए, बी मल्टी प्लेट क्लच के लिए, सी कोण क्लच के लिए, डी हाइड्रोलिक क्लच के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है हाइड्रोलिक क्लच के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टॉर्क कन्वर्टर क्या कार्य करता है? ए इंजन की शक्ति को बढ़ाना, बी इंजन की शक्ति को कम करना, सी इंजन की शक्ति को स्थिर रखना, डी उपरोक्त सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इंजन की शक्ति को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, हाइड्रोलिक से सहायता प्राप्त क्लच में रिलीज बेयरिंग दबाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? ए प्रेशर प्लेट का प्रयोग करते हैं, बी हाइड्रोलिक प्रेशर का प्रयोग करते हैं, सी स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोलिक प्रेशर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, किस गेज का प्रयोग क्लच प्लेट को चेक करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए फिलर गेज का प्रयोग करते हैं, बी डेप्थ गेज का प्रयोग करते हैं, सी डाइज गेज का प्रयोग करते हैं, डी कैलिवर का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी डाइज गेज का प्रयोग करते हैं। क्लच प्लेट के दोनों तरफ किस पदार्थ की लाइनिंग बनी होती है? ए कॉर्क की, बी चमड़े की, सी फैब्रिक एस्बेस्टस की, डी उपरोक्त सभी पदार्थों की। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी पदार्थों की। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, विद्युत चुम्बकीय क्लच के फ्लाई व्हील पर क्या बना रहता है? ए ग्रूव कटी रहती हैं, बी तांबे के तार की वाइंडिंग रहती है, सी लोहे के तार की वाइंडिंग रहती है, डी मैग्नेट रहती है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी तांबे के तार की वाइंडिंग रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, निर्वात क्लच में किसका प्रयोग किया जाता है? ए इंजन मैनिफोल्ड के निर्वात का, बी इंजन की गति का, सी लुब्रिकेशन का, डी तांबे की वाइंडिंग का। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इंजन के मैनिफोल्ड के निर्वात का। ओके, ये आगे और एमसीक्यू लेके आएंगे आपके सामने वीडियो के माध्यम से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। शेयर करने से और भी भाइयों की मदद होगी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपको, जब आप पेपर में जाएंगे तब देखेंगे। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।